हेलो फ्रेंड, संगीतास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फ्रूट पेड़ बनाएंगे। तो फ्रूट पेड़ बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक मास्क मेलन लिया है, तो उसको खरबूजा भी बोलते हैं और शक्कर टेटी भी बोल सकते हैं। तो ये शक्कर टेटी को हम काट के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मास्क मेलन को काट के रेडी किया है। उसके बाद हम पीच को भी काट के रेडी कर लेते हैं। तो सारा फ्रूट्स हम आधा आधा कप कट कर लेंगे। तो लीची हमने पीच को भी काट के रेडी किया है। उसके बाद हम पपीता को कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पपीता को भी कट कर लिया है। उसके बाद स्ट्रॉबेरी को भी कट कर लेते हैं। तो फ्रूट्स पेड़ बनाने के लिए हमने ढेर सारा फ्रूट्स लिया है। अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा कोई भी फ्रूट्स बचा है, तो उससे भी आप ये फ्रूट पेड़ बना सकते हो। और ये फ्रूट्स पेड़ में आप अपनी मनपसंदगी का कोई भी फ्रूट ले सकते हो। तो स्ट्रॉबेरी को भी हमने कट करके रेडी किया है। उसके बाद हम एप्पल को भी कट कर लेते हैं। तो हमारा एप्पल भी रेडी है। उसके बाद हम ऑरेंज को भी कट करेंगे। तो ऑरेंज के ऊपर से स्किन निकाल के ऑरेंज को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑरेंज को भी कट करके रेडी किया है। उसके बाद हम बनाना को भी कट कर लेंगे। तो लीची हमने बनाना को भी कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है फ्रेश ताजी अंगूर लिया है। तो ये अंगूर को तो कट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकदम छोटी छोटी वाली अंगूर है, तो हम उसको कट नहीं करेंगे। तो फ्रूट पेड़ बनाने के लिए हमारा कट किया हुआ फ्रूट्स रेडी है। तो चलिए हम एक बाउल में आधा कप भर के एप्पल डाल देंगे। उसके बाद आधा कप स्ट्रॉबेरी, आधा कप बनाना, आधा कप पपीता, आधा कप पीच डालेंगे, आधा कप शक्कर टेटी, उसके बाद आधा कप ऑरेंज और आधा कप अंगूर। उसके बाद 4 टेबलस्पून जितना ड्राई क्रैनबेरी डालेंगे, 4 टेबलस्पून जितना अखरोट, 4 टेबल स्पून जितना बादाम, 4 टेबल स्पून जितना काजू। उसके बाद पुदीने के पत्ते हैं, एकदम छोटे वाले पत्ते हमने यूज़ किया है। उसके बाद हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। उसके बाद जलजीरा मसाला, तो जलजीरा मसाला आप अपना हिसाब से ऐड कर सकते हो। उसके बाद 1/4 कप भर के हम ऑरेंज जूस डालेंगे। अच्छे से ये फ्रूट्स को मिक्स कर लेंगे। और ये फ्रूट पेयर में आप ऑरेंज जूस आप अपना हिसाब से ऐड कर सकते हो। थोड़ा उसमें लिक्विड रखना है तो ज्यादा ऑरेंज जूस डाल सकते हो। तो आप इस तरह से फ्रूट पेड़ बना सकते हो। अगर आपके पास थोड़े थोड़े फ्रूट बचे हैं और कुछ समझ में ना आए कि क्या बनाए, तो इस तरह से फ्रूट पेड़ बना सकते हो। और ये पेड़ उपवास में भी खा सकते हो, और अगर डाइट इश्यू हो तो भी खा सकते हो, और गर्मी की सीजन है या फ्रूट की सीजन है, तो हम इस तरह से फ्रूट पेड़ बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।